न्यूज पेट्रोल सिर्फ सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पेट्रोल। मैं हूं शिव मोहन शुक्ला। न्यूज पेट्रोल में उस खबर की बात करेंगे जो प्रतापगढ़ जिले में मुद्दा बन गया है, और प्रतापगढ़ में मुद्दा बनने के साथ ही ऐसे गतिरोध को बरकरार कर दिया है जिस गतिरोध से जहां वादकारियों की फजीयत हो रही है, वहीं मरीजों और तीमारदारों के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। हम बात कर रहे हैं वकीलों और डॉक्टरों के संघर्ष की। हम बात कर रहे हैं वकीलों की पिटाई के मामले की, जो अस्पताल में वकीलों की पिटाई के बाद जिस तरह से गतिरोध पैदा हुआ है, उस खबर पर चर्चा कर रहे हैं। अब ये मामला गर्माता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमने कल भी चर्चा करी थी कि किस तरह से ऐसे पंपलेट वायरल हो रहे हैं जिसमें वकीलों द्वारा ये चेतावनी दी गई है कि जिसमें प्राचार्य और आरोपी डॉक्टरों के मार्ग पर आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है, ऐसे होर्डिंग और ऐसे पंपलेट की बात की थी। आज अंबेडकर चौराहे पर इस तरह की एक होर्डिंग लगा दी गई जिससे माहौल में अचानक गर्मी पैदा हो गई। हम बात कर रहे हैं उस होर्डिंग की, जिस होर्डिंग में बताया गया है कि पूरे केशव राय स्थित कॉलेज कैंपस से लेकर शहर स्थित हॉस्पिटल तक डॉक्टर्स यानी आरोपी डॉक्टर्स और प्राचार्य का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है, और उनके आवागमन को प्रतिबंधित बताया गया है कि आप इस रास्ते से ना जाएं। दूसरी तरफ ये भी चेतावनी दी गई है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती या उसके बाद तक जो भी आरोपी डॉक्टर्स हैं और प्राचार्य समेत, वह स्वेच्छा से अपना हस्तांतरण कराकर गैर जनपद चले जाएं। इस तरह से धमकी के रूप में और चेतावनी के लहजे में वकीलों का आक्रोश जिस तरह से होर्डिंग में देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से आक्रोश किसी भी तरह से समाज में चिंता का विषय पैदा करता है। साथ ही ऐसे वर्ग के लिए चिंता का विषय बनता है जिस पे मरीज और तीमारदार भी डिपेंड हैं। साथ ही संघर्ष को जहां बढ़ता देखते हुए जिला प्रशासन अभी भी बैक फुट पर नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा कोई उपाय नहीं किया गया जिससे वकीलों का आंदोलन और डॉक्टर्स का आंदोलन शांत हो सके। खास करके हम उस होर्डिंग की बात करेंगे, उस पंपलेट की बात करेंगे जिससे कॉलेज के प्रिंसिपल डर गए हैं, और कॉलेज के प्रिंसिपल ने जहां प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा और महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को पत्र लिखकर गुहार लगाई है, वहीं डीएम और एसपी को भी पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई है और अनहोनी की आशंका जताई है। जहां प्रिंसिपल बुरी तरह से डरे हुए नजर आते हैं, वहीं प्रिंसिपल ने एक चिट्ठी जारी करके यह बताया है कि लगातार आरोपी डॉक्टर्स को धमकियां दी जा रही हैं, और दूसरी तरफ ये भी बता रहे हैं कि कॉलेज प्रशासन द्वारा मामले की निंदा करते हुए उन आरोपित डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी कर दी गई है, एक पत्र में उल्लेख किया गया है। हालांकि वकीलों का कहना है कि प्रिंसिपल ये बताएं कि किस तरह की कार्रवाई आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ की गई है और किस तरह की कार्रवाई की बात प्रिंसिपल कर रहे हैं। दूसरी तरफ वकीलों का कहना है कि अगर होर्डिंग लगाई गई है तो होर्डिंग निश्चित रूप से जिसने भी लगाई होगी वो होर्डिंग में आक्रोश नजर आता है, और आक्रोश जताने का एक तरीका हो सकता है, ये बिल्कुल भी असंवैधानिक और गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो भी हो, प्रतापगढ़ में जहां आंदोलन वकीलों का अब बिल्कुल चरम पर होता नजर आता है, हालांकि वकीलों ने 72 घंटे का कल अल्टीमेटम दिया था और आज से जोड़ा जाए तो 48 घंटे सिर्फ बचे हुए हैं, जिसमें अब पुलिस प्रशासन को दिक्कतें पैदा हो सकती हैं गिरफ्तारी को लेकर। उधर पुलिस प्रशासन का दावा है कि आरोपी डॉक्टरों में से कुछ को चिन्हित किया गया है और आधा दर्जन से अधिक लोगों को पूछताछ की जा रही है, उनको जेल भी भेजा जाएगा। उधर कॉलेज प्रशासन जहां भयभीत है, वहीं दूसरी तरफ वकील भी आर पार के मूड में है, और उनका सख्त लहजे में एक कहना है, चेतावनी के लहजे में कहना है कि आंदोलन विकट हो सकता है।
अधिवक्ता संघर्ष समिति के अभिषेक तिवारी का कहना है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई और जिस तरह से अधिवक्ताओं को अपमानित किया गया, उनको दौड़ा कर पीटा गया, गिरा कर पीटा गया, इस तरह से अपमानित करके करने वालों के खिलाफ यदि कार्रवाई नहीं हुई और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो मामला बिगड़ सकता है, यानी आंदोलन उग्र हो सकता है। उधर प्राचार्य ने जहां सुरक्षा की गुहार लगाई है और प्राचार्य का कहना है कि डीएम से व्यक्तिगत मुलाकात की लेकिन एसपी ने उनका फोन नहीं उठाया, कई बार बात नहीं हो सकी। वहीं कोतवाल की भी बात करते हैं कि कोतवाल ने उनका फोन नहीं उठाया, यानी पुलिस ने फोन नहीं उठाया और जबकि डीएम से व्यक्तिगत मुलाकात करके प्राचार्य ने अपनी बातें बताई और जो उनको डर पैदा हुआ है उसके बावजूद सुरक्षा की गुहार लगाई है। न्यूज़ पेट्रोल सिर्फ सच।